मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोईवाला विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, जिसमें सीपेट जैसे सराहनीय कार्य शामिल है, जो कि डोईवाला की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाते हुए भाजपा को 400 से अधिक सीटों पर जिताने का भी संकल्प लिया और कहा है कि जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर पर इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होने वाले पीएम मोदी की जनसभा के लिए भी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर रही है और पहली बार ऋषिकेश में किसी चुनावी रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। एक ऐतिहासिक रैली होगी और प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद उत्तराखंड में भाजपा ही होगी। लोगों को सुनने के लिए हमेशा आते हैं और उत्तराखंड से उनका जो लगाव है हर उत्तराखंडवासी जानता है और ऋषिकेश में 11 तारीख को उनका आगमन बहुत ही हमारे लिए शुभ है, उत्सव है। उस दिन मैं सबको आमंत्रित भी करता हूं, आइए और उनकी जनसभा को सुनिए। 400 पार का नारा बिल्कुल जनता के साथ है। बिल्कुल 400 पार और ऐतिहासिक जीत होगी यहां से हरिद्वार लोकसभा।